संसार में तीर्थराज के रूप में विख्यात प्रयागराज के संगम तट पर आज शनिवार आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पतित पावन माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर कल्पवास कर रहे लोग माघ पूर्णिमा के अवसर पर डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में तिल रखने की जगह नहीं है। आम लोगों के साथ साधु सन्यासी भी बड़ी संख्या में माघ पूर्णिमा के पावन स्नान के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज के दिन कल्पवासियों राम बिहारी माता जी, आप संगम क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, ये रुपेश शुक्ला जी आ गए हैं। प्रशासन पुलिस अभी इसके पहले आप एलान करवाई है घर वापसी, आप संगम और पे आ जाइए। रुपेश शुक्ला में 12 इन स्नान घाटों पे चेंजिंग रूम और डीप वाटर बैरिकेडिंग के तहत सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिस पर जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेला प्रशासन ने माघ पूर्णिमा स्नान के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। प्रयागराज मेला प्रशासन के अनुसार माघ मेला 2024 के प्रथम स्नान पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 20,90,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी।